एलजीबीटी समर्थक की मौत से उबली दुनिया। लंदन से न्यूयॉर्क तक विरोध प्रदर्शन। कनाडा में संदिग्ध हालात में हुई मौत। लंदन हो या न्यूयॉर्क, दुनिया भर के एलजीबीटी एक्टिविस्ट सड़कों पर निकलकर अपनी रोल मॉडल सराह हिगेजी की संदिग्ध मौत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एलजीबीटी एक्टिविस्ट सराह हिगेजी की मौत की जांच की मांग के साथ ही जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पिछले 18 महीने से कनाडा में शरणार्थी के तौर पर रह रही 30 साल की सराह हिगेजी टोरंटो के अपने अपार्टमेंट में मृत अवस्था में मिली थी। मूल रूप से मिस्र की रहने वाली हिगेजी का अपने देश में जब विरोध बढ़ने लगा तो उन्होंने कनाडा में शरण मांगी और उन्हें ये शरण मिल भी गई। लेकिन कनाडा में रहने के दौरान भी इस्लामिक कट्टरपंथियों के सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोलिंग की वजह से 30 साल की एलजीबीटी एक्टिविस्ट हिगेजी गहरे अवसाद का शिकार हो गई। كانت بتخاف على اصحابها اكتر ما بتخاف على نفسها كانت بتحب الحياه واحده بتحب الحياه جدا ومع ذلك انتحرت اللي وصلها ان هي كل ده يحصل اللي شافته بقى على مدار الثلاث سنوات الاخرى كم من الكراهيه وكم من تحريض ضدها لا يتحملها بشر كانت بتحكي لي على الرسائل اللي بتجيلها على فيسبوك وعلى हिगेजी अक्टूबर 2017 में तब अचानक पूरी दुनिया की नजरों में आ गईं जब उन्होंने मशहूर लेबनानी रॉक बैंड मशरू लीला बैंड के एक कंसर्ट के दौरान एलजीबीटी रेनबो फ्लैग लहरा दिया। इस काम के बाद उन्हें फौरन गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दरअसल ये अक्टूबर 2017 का कंसर्ट मिस्र में एलजीबीटी एक्टिविस्ट के अधिकारों की मांग को ध्यान में रखकर ही आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि मशहूर लीला बैंड लीड सिंगर हामिद सीनो खुद एक बहुत बड़े गे हैं। मिस्र में तब 3 हफ्ते तक चले एंटी एलजीबीटी ड्राइव के दौरान हिगेजी अकेली महिला थीं जिनकी गिरफ्तारी हुई थी। हिगेजी एलजीबीटी के अधिकारों को लेकर काफी सक्रिय थीं और उनका साफ मानना था कि दुनिया नफरत से नहीं प्रेम से ही चल सकती है। इस्लामिक चरमपंथी इसी वजह से हिगेजी के खिलाफ थे। في رسائلها من جوه السجن ومذكراتها اللي كتبتها مذكراتها اليومية اللي كتبتها في السجن كانت بتقول العالم مش هيتغير غير بالحب مهما كرهوني ومهما كرهوا اللي زيي ومهما كرهوا أي حد مختلف برضو اللي هيغير العالم هو الحب والتعايش والتعددية كانت ده كان إيمانها الحقيقي في الحياة إن الإنسانية هي اللي هتنقذ العالم हिगेजी कुल 4 महीने जेल में रहीं और जनवरी 2018 में उन्हें रिहा किया गया। रिहाई के बाद भी मिस्र में उनका जबरदस्त विरोध होता रहा जिसकी वजह से उन्होंने मुल्क छोड़ने का फैसला किया और कनाडा में शरण ली। लेकिन कनाडा जाने के बाद भी कट्टरपंथियों ने उन्हें चैन से नहीं रहने दिया, जबकि हकीकत यह है कि मिस्र में होमोसेक्सुअलिटी को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है। लेकिन एलजीबीटी कम्युनिटी के खिलाफ वहां जबरदस्त भेदभाव देखने को मिलता है। मिस्र में गे लोगों को धड़ल्ले से गिरफ्तार किया जाता है, उन पर अनैतिकता और ईश निंदा का मुकदमा ठोक दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कनाडा में सिख सांसद का अपमान। कनाडा की संसद से सिख सांसद जगमीत सिंह को बाहर निकालने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कनाडाई सांसद के नस्लवादी माने जाने वाले सांसद जगमीत सिंह की जबरदस्त मुखालफत कर रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने सिख सांसद जगमीत सिंह का समर्थन कर दिया है। ये मामला तब सामने आया जब न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख जगमीत सिंह ने बुधवार को हाउस ऑफ कॉमन्स में रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस में संस्थागत नस्लवाद के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। जगमीत सिंह के इस प्रस्ताव का ब्लॉक क्यूबेक हाउस के नेता एलन थेरियन ने विरोध कर दिया। एलन थेरियन ने जैसे ही कहा कि ये प्रस्ताव सदन में पेश नहीं किया जा सकता, जगमीत सिंह ने अपना आपा खो दिया और थेरियन को रेसिस्ट करार दिया। जगमीत सिंह को बाहर निकाला। जगमीत सिंह ने जैसे ही एलन थेरियन को रेसिस्ट कहा, नस्लवादी कहा, हाउस ऑफ कॉमन्स में हंगामा होने लगा।
बहुत सारे सांसद जगमीत सिंह से माफी की मांग करने लगे, लेकिन जगमीत सिंह ने माफी मांगने और अपनी बात वापस लेने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद स्पीकर एंथनी रोटा ने जगमीत सिंह को अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में सदन से बाहर निकाल दिया। हाउस ऑफ कॉमन्स से एक दिन के लिए निकाले जाने से जगमीत सिंह काफी आहत हुए। इस मामले में पत्रकारों से बात करते हुए वो भावुक हो गए और कहा कि वो इस घटना से बेहद अपसेट हैं। I looked back and I saw that MP not only say no, but make eye contact with me and just kind of brush his hand, dismiss it. And in that moment, I got angry. I'll be honest, I got angry. But I'm sad now. Because why can't we act? Why can't we do something to save people's lives? We can do something. And why would someone say no to that? साफ है कि जगमीत सिंह को अपने कहे पर पछतावा नहीं है। उधर जिस सांसद एलन थेरियन को जगमीत सिंह ने नस्लवादी कहा, वो भी जगमीत सिंह को सदन से निकाले जाने के फैसले को जायज ठहरा रहे हैं। इस गतिरोध के बीच कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने बीच बचाव कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है। I think it's important that we recognize when the only racialized leader in the House of Commons makes a statement like that, that it comes from a place that yes will make people uncomfortable but needs to be dealt with as we move forward as a country. दरअसल अमेरिका में एक अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों हत्या के बाद पूरी दुनिया में नस्लवादी भेदभाव के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। कनाडा में भी इस आंदोलन की चिंगारी पहुंच चुकी है। कनाडा में रहने वाले सिख समुदाय के लोग भी गाहे बगाहे इसके शिकार हो जाते हैं। जगमीत सिंह शायद इसी के खिलाफ सदन में प्रस्ताव लाना चाहते थे, जिसका विरोध होने पर उन्होंने अपना आपा खो दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना ने ऐसे बदली दुनिया। कोरोना वायरस ने पहले दुनिया की रफ्तार पर कुछ महीनों के लिए ब्रेक लगाया, और अब जबकि ये तय हो गया है कि हमें लंबे समय तक कोरोना वायरस के साथ ही जीना और मरना है, तो दुनिया चालू तो हो रही है लेकिन चाल बदल कर। इस कॉरिडोर की तस्वीर देखकर आप भ्रम में पड़ सकते हैं कि आखिर ये कहां की तस्वीर है, ट्रेन की, हवाई जहाज की या फिर लग्जरी होटल की। इसके गेटअप को देखकर ये तय कर पाना मुश्किल है ये किस जगह का वीडियो है। चलिए हम आपकी जिज्ञासा शांत कर देते हैं। ये नए स्टाइल की बस है जिसे कोरोना काल की बंदिशों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। दरअसल म्यांमार की एक ट्रेवल कंपनी जेजे एक्सप्रेस ने अपनी एक दर्जन से ज्यादा बसों को मॉडिफाई कर दिया है ताकि लोग कोरोना के भय से मुक्त होकर यात्रा कर सकें। इस बस में हर यात्री के लिए पॉड बनाए गए हैं ताकि एक यात्री से दूसरे यात्री का किसी प्रकार का कोई संपर्क न हो। जेजे एक्सप्रेस की बसों में एल्यूमिनियम पैनल्स के साथ छोटे छोटे केबिन्स बनाए गए हैं। एक सीट वाले केबिन में भी डोर सिस्टम है। हालांकि इसका असर ये हुआ है कि एक बस में जितनी सीटें पहले हुआ करती थीं, अब उसकी आधी ही बची हैं। इतना ही नहीं, ट्रेवल कंपनी ने एयर कंडीशन सिस्टम में भी बदलाव किया है और उसमें डिसइंफेक्टेंट ब्लोअर लगवा दिए हैं। जाहिर है इतने ज्यादा एहतियात के साथ बसें चलेंगी तो पैसेंजर्स भी खुशी खुशी ट्रेवल करेंगे, भले ही उन्हें इसके लिए थोड़ा ज्यादा ही पे क्यों ना करना पड़े। जेजे एक्सप्रेस कंपनी के बेड़े में कुल 50 बसें हैं। कोरोना काल में कंपनी ने करीब एक दर्जन बसों को इसी तरह से मॉडिफाई कर दिया है। इस कामयाबी के बाद कंपनी फ्लीट की बाकी बसों को भी ऐसे ही डिजाइन कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि म्यांमार में कोरोना वायरस का प्रकोप कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अब तक वहां कुल 286 मामले ही सामने आए हैं, जबकि कुल 6 मरीजों की मौत हुई है। पर लोगों के मन में खौफ तो है ही, लिहाजा जिंदगी को रफ्तार नए तरीके से देने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
जापान के आकाश में दिखा अनोखा गुब्बारा। गुब्बारा देख घबरा गए लोग। धरती पर एलियन का अटैक तो नहीं? प्रशांत महासागर के ऊपर हो गया गायब। साल 2020 में पृथ्वी पर एक के बाद एक नए संकट आ रहे हैं। साल की शुरुआत में कोरोना वायरस आया और उसका जानलेवा सिलसिला अभी भी बदस्तूर जारी है। कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ रहा था कि हिंदुस्तान समेत कई देशों में भयंकर तूफानों ने कहर बरपाया। इन सब के बीच भारत समेत दुनिया के कई देशों में कई बार धरती हिल चुकी है। लोग डरे हुए हैं, सशंकित हैं, मन में तरह तरह के अपशकुन वाले विचार आ रहे हैं। और इन सब के बीच जापान के आकाश में दिखा गुब्बारा नुमा एक UFO। आपको ये जानकर हैरानी होगी, जापान के शिंदाई शहर के आओबा वार्ड के ऊपर आकाश में ये UFO कई घंटों तक रुका रहा। जब लोगों ने इसे नोटिस किया तो ये धीमी गति से आगे बढ़ने लगा। कुछ ही घंटों में ये अचानक प्रशांत महासागर के ऊपर से नदारद हो गया। इस गुब्बारे का वीडियो और तस्वीरें जापान में सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं और लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये है क्या। पहले लोगों को लगा कि कहीं ये मौसम विभाग का भेजा हुआ गुब्बारा तो नहीं। सोशल मीडिया पर सवाल उठे तो जापान के मौसम विभाग ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी कर इससे इनकार कर दिया कि इस गुब्बारे से उसका कुछ लेना देना है। धरती पर एलियन का अटैक तो नहीं? मौसम विभाग के इनकार के बाद लोगों के मन का डर और बढ़ गया। फिर लोगों को लगा कि शायद सरकार को पता हो कि ये किस तरह का गुब्बारा है। इसके बाद जापान के सरकार के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी योशीहिदे सुगा ने बयान जारी कर गुब्बारे के बारे में कुछ भी जानकारी होने से इनकार कर दिया। योशीहिदे सुगा ने कहा कि हमें या हमारी सरकार को नहीं पता कि यह गुब्बारा कहां से आया और कहां गायब हो गया, किसने इसे भेजा और किस मकसद से भेजा हमें यह भी नहीं पता है। जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी के इनकार के बाद तो सोशल मीडिया पर इसे लेकर रहस्य और बढ़ गया। कुछ ने ये कहा कि ये नॉर्थ कोरिया की कारस्तानी है जिसने जापान में कोरोना वायरस से भरा गुब्बारा भेज दिया है, तो किसी ने ये भी कहा कि ये एलियंस का UFO था जो धरती का जायजा लेकर वापस लौट गया। बहरहाल सच्चाई चाहे जो हो, जापान के आकाश में दिखा UFO नुमा गुब्बारा सबके कौतूहल का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीन को लेकर अमेरिका का रवैया दुनिया में जग जाहिर है। कोरोना वायरस के फैलाव के लिए चीन को दोषी मानने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही चीन से खफा हैं और पहले ही चीन से व्यापारिक संबंध तोड़ने की धमकी दे चुके हैं। गुरुवार को ट्रंप ने ट्वीट कर दोबारा अपना इरादा जता दिया है कि चीन के साथ अमेरिका सारे व्यापारिक संबंध तोड़ सकता है। दरअसल बुधवार को ही अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि रॉबर्ट लाइटहाइजक ने बयान दिया था कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को अलग करना संभव नहीं होगा। ट्रंप का ट्वीट इसी बयान का खंडन था। ट्रंप ने अपने ट्वीट में लिखा, ये एम्बेसडर लाइटहाइजर की गलती नहीं थी, शायद मैंने खुद को स्पष्ट ही नहीं किया था, लेकिन चीन से पूरी तरह से अलग होने के लिए अमेरिका के पास निश्चित रूप से विभिन्न परिस्थितियों में नीति का विकल्प है। ट्रंप का ये ट्वीट विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और चीन के अधिकारी यांग जिएची की मुलाकात के ठीक एक दिन बाद ही आया है। पोम्पियो के मुताबिक यांग जिएची ने कहा है कि चीन कृषि खरीद को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जो ट्रंप के सौदे के समर्थन के लिए महत्वपूर्ण था। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा था कि चीन के शीर्ष राजनयिक ने अमेरिका और चीन के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण के तहत बीजिंग के दायित्वों को पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन भी कह चुके हैं कि ट्रंप ने चीनी अधिकारियों से ज्यादा अमेरिकी फार्म उत्पादों को खरीदने की बात की है, जिससे चुनाव जीतने में मदद मिल सके। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बुधवार को चीन पर उइगर मुसलमानों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए उस पर प्रतिबंध लगाने वाले एक कानून पर हस्ताक्षर भी कर चुके हैं, जिसके बाद चीन ने जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दी थी।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक अंडे के ऊपर दूसरे अंडे को बैलेंस करने की चुनौती ही किसी को भी भारी पड़ जाए। आमतौर पर ऐसे किसी चैलेंज को लोग नामुमकिन करार देकर पहले ही हाथ खड़े कर देंगे, लेकिन दुनिया में एक सज्जन ऐसे भी हैं जिन्हें अंडे के फंडे पर मास्टरी है। वो इसे खाने के अनोखे अंदाज नहीं तलाशते, वो इस सवाल में भी नहीं उलझते कि मुर्गी पहले आई या फिर अंडा। वो तो बस अंडे से ऐसा करतब दिखाते हैं कि कोई भी दांतों तले उंगलियां दबा ले। अंडों से करामात दिखाने वाले मोहब्बत मुकबेल मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के रहने वाले हैं। सबसे अधिक 3 अंडों को एक के ऊपर एक सिलसिलेवार तरीके से लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाले मुकबेल सभी अंडों का सेंटर ऑफ मास पता लगाना जानते हैं। इसी की मदद से वो अंडों का बैलेंस बना देते हैं, जो किसी आम शख्स के लिए नामुमकिन सा काम है। इस काम को करने के लिए प्रैक्टिस, एकाग्रता और सब्र की दरकार होती है। मोहब्बत मुकबेल के पास ये तीनों हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।